हैदराबाद शहर में पुलिस ने मानव तस्करी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक मदनापेट पुलिस ने 4 महीने की बच्ची को मानव तस्कर गिरोह के चंगुल से छुड़ाया है, साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अभी भी 2 महिला मुख्य आरोपियों की तलाश कर रही है। इससे पहले हैदराबाद में शादी के लिए लड़कियों की तस्करी का बड़ा मामला सामने आया था, जिसमें कुछ अरब शेखों और काजियों की गिरफ्तारी की गई थी। इसी तर्ज पर नवजात शिशुओं की तस्करी के नेटवर्क का पता चला। ताजा मामला में पुलिस ने 4 महीने की बच्ची फातिमा को दलालों से बचा लिया है। दरअसल ये बच्ची ऑटो ड्राइवर शेख यूसुफ की बेटी है, जिसने दलालों के झांसे में आकर 2 लाख रुपये के लालच में अपनी बेटी को उन्हें सौंप दिया। फिर दलालों के गिरोह ने बच्ची को एक विशाखापट्टनम की एक दंपति के साथ बेचा। इस मामले में गंगाधर रेड्डी और शिरीषा नाम के 2 आरोपियों का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल ये दलाल शहर के नामी अस्पतालों में गरीब परिवारों पर नजर रखते हैं, फिर उन्हें मोटी रकम का लालच देकर बच्चियों को बेचने के लिए उकसाते हैं। गोद लेने की यह पूरी प्रक्रिया अवैध होती है और इस पूरी डील में दलालों को भी मोटी रकम की कमाई होती है। नवजातों की तस्करी के मामले में ज्यादातर बच्चियों को बेचने का ही मामला सामने आया है। जिस 4 महीने की बच्ची को पुलिस ने दलालों के चुंगल से बरामद किया है, उसके पिता ने गरीबी का हवाला देकर अपना अपराध कबूल कर लिया है। पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी पहले से ही 5 बेटियां हैं, लिहाजा मोटी रकम के लालच में वे अपनी 6ठी बेटी को बेचने के लिए तैयार हो गए। पुलिस फिलहाल 2 आरोपियों शीर्षा और रत्ना कुमारी उर्फ गीता की तलाश कर रही है। पुलिस को आशंका है कि इस तरह के अन्य गिरोह भी शहर में सक्रिय हो सकते हैं। इस पूरे मामले पर DCP साउथ जोन ने मीडिया से बात की और पूरी जानकारी दी है। आइए देखते हैं DCP साउथ जोन का क्या कहना है। एक 4 महीने का लड़की 1,70,000 में बेचकर एडॉप्शन रूप से वैजा कपूर को दे चुका केस मादनापेट में रिपोर्ट हुआ। एक शाबिल बेगम यूसुफ कपूर को एक बेटी पैदा हुआ 1/7/2017 में। ये कपूर पेरेंट्स को 4 बच्चियां एक बच्चा है, उनको संभालने में पालने में तकलीफ होने में वो किसी को पालने के देने के लिए डिसाइड कर दिया। एक शेख खातून एक ब्रोकर के पकड़कर उनको देने के लिए ये डिसाइड कर दिया। ये बेबी का फादर यूसुफ थोड़ा पैसे लेके किसी को एडॉप्शन करने के लिए डिसाइड कर दिया। वो माँ साबिल बेग को मना कर दिया, अगर नहीं दे देगा तो उनको डाइवोर्स देता हूँ, ऐसा धरा के एक खातून को भेज दिया। एक खातून एक गंगाधर रेड्डी शिरीषा और रत्न कुमारी एलियास गीता थ्रू में वो वैजाग में रहने वाले नागेश्वर और पार्वती को वो दे दिया। ये गणेशन बड़ा गणेशन का निमज्जन दिन 5 सितंबर 2017 में दे दिया। बाद में ये पेरेंट्स ये वैजाग कपूर से जो एडॉप्शन ले लिया 1,70,000 ये ब्रोकर्स को दे दिया, इसमें 85,000 फादर को दे दिया। फादर ये कपूर्स का नंबर लेके वो पूछ लिया कितने पैसे दे दिया, 1,70,000 दे दिया। तो इसमें गुस्सा आके और ज्यादा पैसा लेने के लिए एक ही तरफ, और दूसरा मदर जो साबिल बेगम बेटी का फायदा कर दिया, वो बेटी को देखने के लिए उनका मन दिल चाह रहा है, इसीलिए वो भी देखने के लिए सोचा है, लेकिन ब्रोकर्स वो एड्रेस नहीं बताया। एक तरफ मदर का प्यार, दूसरा तरफ फादर का पैसे के मामला में ये पुलिस स्टेशन को मदनापेट को केस रिपोर्ट हुआ। हैदराबाद से हमारे संवाददाता सैयद हामिद की रिपोर्ट।